नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां तर महाविद्यालय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का आयोजन अग्रसेन महिला महाविद्यालय में किया गया। इस कबड्डी प्रतियोगिता में आजमगढ़ जिले के साथ ही मऊ जिले की छात्राएं शामिल हुई। कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतियोगिताओं में शामिल छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए विद्यालय की प्राचार्य जूही शुक्ला ने कहा कि हमारे विद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे लेकर विद्यालय के साथ ही छात्राएं काफ़ी उपस्थित हैं, उत्साहित है, और खेल हमारे भारत की संस्कृति रही है। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए प्राचार्य जूही शुक्ला ने, आप सुनिए। युवाओं के लिए लाभकारी है, देखिए, मैं इस अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल की हैसियत से और हम लोग मेजबान भी हैं। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की तरफ से ये प्रतियोगिता है, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता। हमारे यहाँ का बहुत सारे कॉलेजेस की टीम आई हुई है और हमें ये कबड्डी दिया गया है। और भी कॉलेजेस को और भी प्रतियोगिताएं कराने का दिया गया है। हमें कबड्डी की मेजबानी करने का निर्देश है और हम लोग बहुत खुश हैं कि विश्वविद्यालय ने हमें इस लायक समझा। और हमारी बच्चियां भी बहुत खुश हैं और जो बाहर से बच्चियां आ रही हैं अदर कॉलेजेस से, वो भी बहुत खुश हैं और सब खेल के को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और हमारा कॉलेज भी इस चीज़ से बहुत प्रसन्न है कि ये हो रहा है। और खेल तो हमारी जो संस्कृति भी रही है और खेल भावना के साथ खेलते हैं जब हम, तो बहुत सारे जो है द्वेष और चीज़ें मिट जाती हैं। तो खेल तो हमारी जान है, एक शिक्षण संस्थान की जान होती है। तो खेल से हमारा सद्भाव बढ़ता है, एक दूसरे से हम लोग जुड़ते हैं और परिचय होता है और बच्चों में एंथुजियाज्म होता है, जिससे कि वो पढ़ाई में भी अच्छा कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि खेलोगे कूदोगे तो वो कहावत अब चेंज हो गई है ना, कि खेलोगे कूदोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे आगे भी, मैं और प्रतियोगिताएं अपने यहाँ लेना चाहूँगी। और अभी चूंकि हमारे परिसर में फील्ड बन रही है तो इसलिए जो है हमने इंडोर गेम ही लिया है और हॉल में करा रहे हैं, आगे हम लोग करेंगे। और मैं विश्व कुलपति जी का बहुत बहुत आभार जताती हूँ और अपने प्रबंधक जी का कि उन्होंने हम लोगों को जो है। राजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हमारे महाविद्यालय श्री अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज को कराने का इसका अवसर मिला है। हमारे महाविद्यालय की खेलकूद की प्रभारी अर्पिता मिश्रा जी, प्राचार्य प्रोफेसर जूही शुक्ला ने इसमें अथक प्रयास करके आजमगढ़ और मऊ जनपद के तमाम महाविद्यालयों से संपर्क करके इस क्रीड़ा में प्रतिभा करने का उन्होंने अनुरोध किया, जिसमें मऊ जनपद से 4 और आजमगढ़ जनपद की 4 टीमें इसमें प्रतिभा कर रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रामनवल पीजी कॉलेज दोरी चिड़ियाकोट, पार्वती महिला महाविद्यालय दोरीघाट, डीसीएस के मऊ और अग्रसेन पीजी कॉलेज आजमगढ़, केशव माधव दरगाह रघुपुर आजमगढ़, डीबीएसके आजमगढ़, ये तमाम टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। और चूंकि हमारे महाविद्यालय को इसको आयोजित करने का अवसर मिला है, मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की कामना करता हूं और तमाम इस प्रतियोगिता से जुड़े सभी लोगों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल जी, हम रामाश्रय राय शर्मा जी, हरेंद्र सिंह जी और तमाम विश्वविद्यालय से के क्रीड़ा अध्यापकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया है, इसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। धन्यवाद।